बीते कुछ दिनों में देखा गया है कि सचिन ना तो पार्टी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और ना ही पार्टी लाइन पर चल रहे हैं। हालात ये हो गए कि संभाग स्तरीय कार्यक्रम जब टोंक में किया गया तो टोंक के विधायक सचिन पायलट सभा में मौजूद नहीं थे, जबकि उनको आमंत्रित किया गया था। वहीं अब कांग्रेस के विधायकों के साथ वन टू वन मुलाकात कार्यक्रम में भी जब टोंक जिले के विधायकों को बुलाया गया तो भी सचिन शामिल नहीं हुए। कहा गया कि उनका पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए नहीं आए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब सचिन पायलट को बिरला सभागार में हुए कार्यक्रम में बुलाया गया, मंच पर बकायदा उनके नाम की प्लेट भी लगाई गई, तो भी सचिन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। और हाल फिर ये हुआ कि डोटासा ने मंच से ही कह दिया कि जो कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सचिन ने कांग्रेस से दूरी क्यों बना ली, सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल राजस्थान में गहलोत, डोटासरा और रंधावा को सचिन एक ही यूनिट मानते हैं। सचिन को पता है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। वही बीते 4 साल में पहली बार हुआ है कि सचिन को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर किया गया है। AICC की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारक की सूची में ही सचिन का नाम नहीं है। इससे सचिन तक ये संदेश भी चला गया कि खड़गे भी सचिन के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सचिन इंतजार कर रहे हैं कि अब कांग्रेस की तरफ से ही उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए। अगर कांग्रेस उनका सम्मान नहीं कर सकती तो फिर सचिन आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और सचिन खुद को आज के वक्त में कांग्रेस में ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि वो अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता से संपर्क बनाएंगे। और वो खुलकर कह भी चुके हैं कि राज वही करता है जो जनता के दिल में रहता है। शायद सचिन इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस उन पर एक्शन ले और उनको कांग्रेस से बाहर करे या फिर सचिन के साथ समझौता करे और अब टिकट बंटवारे में 70 से 80 सीटें सचिन को बांटने के लिए दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सचिन अलग राह अपना सकते हैं, वो अलग पार्टी बना सकते हैं। एक हेमा ये भी कह रहा है कि सचिन BJP में जा सकते हैं, पिता की पुण्यतिथि पर वो फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ऐसा होते ही ये सचिन के खिलाफ जाएगा और गहलोत खुलकर कहेंगे कि सचिन मानेसर कांड के बाद से ही BJP के हाथों में खेल रहे हैं। और गहलोत खुलकर कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मानेसर कांड के वक्त विधायकों ने जो पैसा BJP से लिया था वो BJP ने वापस नहीं लिया है। ऐसे में सचिन हो सकता है कि नई पार्टी ही बनाए और किंग ना भी बन सके तो किंग बनने का सपना देख रहे गहलोत को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए और सचिन खुद किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।